नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? आपने कल इकाई 3 की कसौटी लिखी, आज इसका उत्तर पत्र भेज रही हूँ। आपके माता पिता से कहना इसका मूल्यांकन कर दे। अब आगे हम इकाई 4 कथनी और करनी की बातें कर रहे थे। कथनी और करनी यानी बोलना और उसका व्यवहार करना, जो बोले है उसका आचरण करना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सभी लोग तो नहीं, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि जो बोलते हैं वैसा ही उसका आचरण व्यवहार नहीं होता। जो बातें वह गलत बताते हैं वही व्यवहार वह अपने आप करते हैं। ऐसी 2-3 बातें हमने सुनी, आज और 2-3 बातें कहते हैं। तो एक व्यक्ति एक दुकान पर गया, अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। तभी दुकानदार बोला कि आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं। वह व्यक्ति स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा करके आया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में दुकान पर एक लड़का स्कूटर लेकर आया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर किया और दुकान के अंदर चला गया। इस पर वह व्यक्ति बोला, दुकानदार से बोला कि आपने इसे तो मना नहीं किया। दुकानदार बोला, वह तो मेरा बेटा है, यानी कि उसका बेटा है, तो वो वाहन खड़ा करने के स्थान पर वाहन खड़ा नहीं करेगा, दुकान के सामने वाहन रखेगा तो भी चलेगा। यानी कि व्यवहार अलग करे तो चलेगा। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन उस आदर्श को जब अपनाना पड़े तो आदर्श भूल जाते हैं। क्या हुआ? तो एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। क्यों? क्योंकि पिछले 4 माह का किराया मांगने वह आ रहा था बार बार। उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूं। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए, मानी बहुत शर्मा गए। वे घर पर ही थे किंतु उन्होंने अपने बच्चे से झूठ बुलवाया कि जाओ जाकर कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। तो बच्चा समझ नहीं पा रहा था, और बच्चा तो सच ही बोल देता है। उस बच्चे ने बोल दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। अगर वे घर पे नहीं है तो वे कैसे कह सकते हैं, पिताजी कैसे कह सकते हैं कि वे घर पे नहीं है? तो व्यवहार अलग। ऐसे कई उदाहरण रोज बरोज के हमारे व्यवहार में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात के लिए हम जो गलत है वही व्यवहार कर बैठते हैं, थोड़े से फायदे के लिए गलत व्यवहार कर बैठते हैं, जो आगे चलकर बहुत खराब साबित होता है। नमस्कार।